ये भी एक पिकॉक डिज़ाइन व मोर डिज़ाइन, ये भी एक व्यूअर्स का रिक्वेस्ट से मैंने बनाया। वो कैसे बनाया चलो देखेंगे इस वीडियो में। वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीके क्ले आर्ट ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। इस डिज़ाइन का बनाने के वास्ते पहले एक प्लेट बना लिया मैंने। अभी ये जो ड्राइंग कर पहले से करके रखा इसको स्टेम मार लेंगे, एक भी स्टेम लाइन छूट नहीं जाए, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइन भी छूट जाए तो आपको बहुत परेशानी होगा। इस तरफ भी उल्टा उस पेपर को उल्टा करके इसमें भी स्टेम लगा लेंगे। मतलब एक इसमें क्या होता, जब भी एक लेफ्ट राइट डिज़ाइन बनाना है तब ये स्टैम्प पेपर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पहले प्लास्टिक में ऐसे एक स्टैम्प बना लीजिए, बनाने के बाद ऐसे मार्क करके इसको ऐसे करके काटिंग कर सकते हैं। पहले मैंने वो जो स्टैम्प लगा लिया उसको थोड़ा डार्क कर लेंगे लाइन को, जो डिज़ाइन बनाने के लिए आसानी हो वो समझ में आए लाइन, इसलिए थोड़ा डार्क कर ले रहा हूँ। ये भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आउटलाइन का मिट्टी वो काट लेंगे, काट के निकाल लेंगे। आप भी ज़रूर इसको आउटलाइन का मिट्टी को काटिंग करके निकाल लीजिएगा। अभी इस तरफ का डिज़ाइन मैंने पहले बनाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहा हूँ। आपको समझ में आएगा, अगर घर पे बनाना चाहे तो आपको बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये ऐसा आउटलाइन कर लिया, आज कंप्लीट करेंगे इसको। अभी लास्ट फिनिशिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा। कोई व्यूअर्स का रिक्वेस्ट से ये पहली बार मैंने बना रहा हूँ, उन्होंने फ़ोटो भेजा है, उस फोटो को मैंने बना रहा हूँ। पता नहीं ये जो डिज़ाइन पहले बनाया था वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, मालूम नहीं कौन बनाया, लेकिन बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनाया था। पता नहीं मैं वो फ्लेवर दे नहीं दे पाएंगे क्या नहीं, तो फिर भी मैंने कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग साथ रहिए, देखिए मैंने कैसे बना रहा हूँ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिएगा, अगर आप इस काम पे इंटरेस्ट है तो। जिन दोस्त ने पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ऐसे आप लोग साथ रहिए प्रेरणा बन के, मैंने वचन दे रहा हूँ आप लोग का मनपसंद डिज़ाइन मैंने लाते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल का माध्यम से। आप लोग एक साल से जितना प्यार दिया मुझे ऐसा प्यार देते रहिए, मैंने वचन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए ऐसा नया नया डिज़ाइन लाते रहेंगे। इस डिज़ाइन को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो घर में बैठ के इंडिया का कौन सा भी कोने से आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे क्या डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर है उसमें से भी आप कॉल कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वो भी वही नंबर स्क्रीन पे आप कॉल कर सकते हैं, क्या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर एक ही है, यही मेरा स्क्रीन पे जो दिया हुआ नंबर वही कॉलिंग नंबर वही व्हाट्सएप नंबर। आपको पसंद आए तो ये डिज़ाइन आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। आँख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं आपको घर तक इस डिज़ाइन को पहुँचाने का जिम्मेदारी मेरा है।
तो अगर आप इस डिजाइन को घर पे बनाना चाहते हैं तो दो तीन बार अच्छा से गौर से प्ले करके देखिए, आपको समझ में आएगा। आप घर पे अच्छा से बना सकते हैं इस डिजाइन को। वीडियो थोड़ा स्लो में करते तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन बात यही है, ज़्यादा लॉन्ग होने से बहुत व्यूअर्स पूरा वीडियो नहीं देखता है। 10 मिनट का अगर वीडियो बनाए तो उसमें 1.5 से 2 मिनट मेरा व्यूअर्स लोग उसको वॉच करते हैं, जिसके वजह से देखा हूँ ज़्यादा लॉन्ग वीडियो करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब लोग पूरा देखता नहीं, काट काट के देखता, 1 से 2 मिनट अब इस वीडियो को देखते हैं। इसलिए मैंने कोशिश किया वीडियो को छोटा में कवर करने के लिए। अगर छोटा में कवर करने चाहे तो वीडियो बहुत फास्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डिजाइन को मैंने बनाया था 50 मिनट्स का अंदर, ठीक है, 50 मिनट्स पता नहीं, याद नहीं है। तो उसको अगर स्लो में देखा है तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता, बहुत ऑडियंस उसको देखने का चाहत भी नहीं रखेगा, जिसके वजह से मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा है एडिट का माध्यम से। तो फिर भी अगर आप सही गौर से देखें तो आपको बहुत समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। बाय बाय।